नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में सचिन बोरा फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, शॉट सिलेक्शन करते समय बहुत सारे बल्लेबाज बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका शॉट सिलेक्शन सही नहीं हो पाता है और उसी कारण से उनकी बल्लेबाजी भी सही नहीं हो पाती है और सही ढंग से छक्के चौके कुछ भी नहीं लगते, क्योंकि सबसे मेन रोल क्रिकेट में शॉट सिलेक्शन का ही है, बॉल जजमेंट करने का ही है। जैसे बॉल जज होती है उसी हिसाब से आपने शॉट सिलेक्शन करना है। अब शॉट सिलेक्शन कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसको पहले देखना, क्योंकि शॉट सिलेक्शन तभी होगा जब आपका बॉल जजमेंट होगा। अब गलती क्या होती है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फुल लेंथ की बॉल आ रही है, यॉर्कर बॉल फुल लेंथ की बॉल आ रही है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बैकफुट चले जाते हैं। ये तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि फुल लेंथ की बॉल में अगर आप बैकफुट जाओगे तो बॉल घुस जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे सेम शॉर्ट बॉल में हम सीधे फ्रंट फुट खेलते हैं, यानी शॉर्ट बॉल में हम पैर को आगे ले जाके सीधे आगे को खेलने लग जाते हैं। जब तक बॉल शॉर्ट बॉल क्या है, थोड़ी लेट आती है और पीछे से उठ के आती है, इतनी चेस्ट लेवल के आती है, तो उस बॉल को अगर आप सीधे आगे चल के खड़े खेलोगे तो जब तक आपका बैट बॉल में पहुँचेगा बॉल ऊपर उठ जाएगी। ये है गलती नंबर दो। इसी टाइप से गुड लेंथ की डिलीवरी है, गुड लेंथ को भी खड़े खड़े खेलना। गुड लेंथ डिलीवरी को भाई लेदर बॉल में तो या तो डिफेंस किया जाता है, या तो स्टेप आउट करके उसमें छक्का मारा जाता है, या तो उसको लेग ग्लांस किया जाता है, अगर ऑफ साइड आती है तो कट शॉट मारा जाता है। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, तो उन वीडियोस को भी आप देखें, क्योंकि बेसिक से देखना ज़रूरी है। अगर आपने एक शॉट सिलेक्शन करना है तो बेसिक वीडियो से देखते हुए जाओ और उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हुए जाओ, तब जाके आपके जो फॉल्ट्स हैं, जो गलतियां हैं, वो आपके समझ में आएंगी। जो जितनी जल्दी गलतियां समझ में आएंगी, जितना जल्दी आप उसके ऊपर वर्क करोगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं टेनिस बॉल में, हम सोचते हैं कि ताकत से मैं पहुँचा दूँ छक्का। सबसे बड़ी गलती ये होती है, क्योंकि ताकत से चली जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती है, ताकत से मैक्सिमम जाती है। मैंने ये भी देखा है कि अब देखो आप यहाँ पे खड़े हो, बॉल आ रही ऑफ में बॉल आ रही, आप सीधे यहीं से उसको लेग में चपेटने की कोशिश करते हो, यही शॉर्ट सिलेक्शन है। ऑफ की बॉल को लेग में मार रहे हो, कभी कभार हो सकता है आपका चपेटे में आके चली जाए, अदरवाइज आपका सीधे कैच उठ जाएगा। आपने या तो यहाँ से थोड़ा सा एक कदम ऐसे लेके ऑफ की तरफ जाना है, जैसे एक टेनिस बॉल के कभी वीडियोस देखना, मैच जो टूर्नामेंट चलते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट, उस्मान पटेल, कृष्णा सतपुड़े, बड़े बड़े धुआंधार धुरंधर बल्लेबाज हैं टेनिस बॉल के, वो लोग यही करते हैं। उनको पता है बॉलर अभी ऑफ में देने वाला है, क्योंकि प्रिडिक्शन भी करते हैं वो लोग, खेलते खेलते इतना एक्सपीरियंस हो जाए कि प्रिडिक्शन पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि बॉलर कहाँ देने वाला है, तो वो मिडिल में खड़े होंगे तो ऑफ में चले जाते हैं ऐसे खेलने के लिए। तो ये चीज़ें आपने अपने ऊपर अप्लाई करनी है। अगर आपने लेग को मारना है तो आपने एक कदम लेके ऑफ की तरफ जाना पड़ेगा, तब लेग में मारो। आप बोलते हो यार बॉल दिखाई नहीं देती, भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बॉल नहीं दिखाई देगी। कल भी एक बोला था मेरे को, कमेंट में लिख रहा था कि आप अगर मेरे पिच में खेलोगे तो आपको बॉल दिखाई नहीं देगी। अरे बंदूक की गोली थोड़ी है भाई जो बॉल नहीं दिखाई देती। इंटरनेशनल में भी इतने बड़े 150-160 की स्पीड से खेलते हैं, उनको कैसे दिखाई देती है, सबको दिखाई देती है बॉल, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दी। हाँ, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होती उसको, हमको भी लगता था जब स्टार्टिंग में हम बड़े लड़कों के साथ खेलते थे बहुत तेज़ी से डालते थे, हमको भी नहीं दिखती थी बॉल, जब प्रैक्टिस करी तो तब बॉल दिखेगी। तो ये चीज़ें हैं फॉल्ट पकड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप गलतियाँ क्या क्या कर रहे हो मैं आपको वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट, जो अगर ऑफ की बॉल को आप हो सके तो आप एंगल बना के ऑफ की तरफ ही मारिए। जैसे बॉल का एंगल ऑफ की तरफ आता है तो उसको ऑफ की तरफ ही घुमा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऑफ की तरफ ही मारो, ऐसे करके ऑफ की तरफ मारोगे तो बढ़िया एकदम कनेक्ट सही होगा आपका, क्योंकि इस बॉल को इधर को मोड़ने में मारने में थोड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट है मैक्सिमम फुलटॉस बॉल। फुलटॉस बॉल में सबको लगता है कि यार मैं छक्का पहुंचा दूंगा। फुलटॉस बॉल क्या है दोस्तों, अगर आपकी कमर लेवल से नीचे तक बॉल आ रही है तो आप फुलटॉस को आप सीधे स्ट्रेट में भी मार सकते हैं, अगर सीधी बॉल मिडिल में आ रही है तो। अगर वही बॉल आपकी कमर लेवल से यहाँ आ गई और आप स्ट्रेट मार रहे हो तो आपका कैच ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल आ रही है, आपका बैट पहुँच रहा है यहाँ पर, तो बॉल जाएगी ऊपर। कमर के लेवल से नीचे की बॉल को आप सीधे स्ट्रेट में मारें, यहाँ की अगर बॉल आती है ऊपर की तो उसको इस साइड को चपेटे तिरछे बल्ले से, क्योंकि यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। अगर वही बॉल ऑफ की तरफ आ रही है तब आप उसको सीधे स्ट्रेट में मार रहे हो थोड़ा सा, तो तब भी चल जाता है, इतना एंगल आ जाता है तिरछे बल्ले से। और इस चीज़ को हो सके तो आप सीधे ऑफ की तरफ मारने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है, जो चेस्ट लेवल की बॉल आती है, जो जिसको शॉर्ट बॉल बोलते हैं या बाउंसर भी बोलते हैं, बाउंसर थोड़ा सा इतना ऊपर हो जाता है और यहाँ तक की बॉल जो आती है वो शॉर्ट बॉल बोलते हैं, तो शॉर्ट बॉल में हम क्या करते हैं, सीधे स्ट्रेट में छक्का मारने की कोशिश करते हैं।
मैक्सिमम यही करते हैं देखा मैंने, क्योंकि दूसरी तरफ देखते ही नहीं है। ऑफ जैसे शॉर्ट बॉल आए नहीं, उसको थोड़ा सा पीछे हट के स्टेटम आने की कोशिश करें, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है हमेशा भाई शॉर्ट बॉल के लिए। अगर इस लेवल में आ रहे तो यहाँ से पुल शॉट खेलिए, पुल शॉट के लिए वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिए कैसे पुल शॉट मारते हैं। और वही बॉल सेम अगर ऑफ साइड में आती है, यानी एंगल बनाते हुए इतने एरिया में जाती है, तो उसको आप इस साइड से ऊपर की तरफ ऑफ साइड में मार सकते हो। उसके लिए भी वीडियो बनाया ऑफ साइड में कैसे छक्के मारने, ये सारे लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देखिए किस किस टाइप से कौन सी बॉल में कौन सी शॉट मारी जाती। आप उल्टा सुलटा शॉट मत खेलिए, उल्टा सुलटा शॉट जो एकदम जब आप बहुत बढ़िया बल्लेबाज बन जाते हैं फिर जाके आप कोशिश करिए स्कूप शॉट, स्विच हिटिंग, इस टाइप की शॉट बाद में प्रैक्टिस करिए। पहले आपको बॉल जजमेंट हो नहीं रहा और पहले ही आप इस टाइप की शॉट ट्राई कर रहे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आता है स्लोअर बॉल। स्लोअर बॉल जो है टेनिस में मैक्सिमम कटर, ऑफ कटर या लेग कटर ही डाला जाता है। इसमें क्या है, बल्लेबाज को पता लग जाता है ये स्लोअर बॉल आ गया करके, उसके बाद भी क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई कटर बॉल कहाँ डालता है, गुड लेंथ में डालता है, हमेशा गुड लेंथ या फुल लेंथ में डालता है, क्योंकि हल्का सा भी बॉल घूम गया, फुल लेंथ की बॉल को मैक्सिमम छक्का मारना चाहता है आदमी, तो थोड़ा सा भी बॉल घूम गया तो कैच उड़ जाता है। और बैट कैसे घुमाता है, वो फास्ट बॉलिंग के हिसाब से बैट घुमाता है, और जबकि बॉल आती है रुक के। तो ये चीज़ आपने ध्यान देना भाई, थोड़ा सा वेट कर लो, वेट कर लो, बॉल आपको जज हो गई है तो ये मत सोचे कि मैं ताकत से पहुँचा ही दूंगा। मैं खुद कई बार, मैं इतना केयरलेस खेलता था स्टार्टिंग में, खुद मैं कई बार इतनी बार आउट हुआ हूँ स्लोअर, मेरे को पता लग जाता है कि ये बॉल स्लोअर आ गया, फिर भी मेरे को इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि ना मैं तो छक्का पहुँचा ही दूंगा, और कई बार बाउंड्री लाइन में कैच आउट होता हूँ, क्योंकि हल्की सी गति कम होते ही थोड़ा सा बॉल डिफ्लेक्ट हुआ नहीं क्या, उतना फोर्स नहीं लगता। इसलिए अगर आपको पता लग रहा है कि स्लोअर बॉल है तो उसको थोड़ा सा ज़मीनी शॉट मारने की कोशिश करो। अगर ऐसा नहीं होता, ग्राउंड आपका छोटा है तो तब आप उसको हिट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर बड़ा ग्राउंड है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने ये बता रखी, इन चीज़ों को गौर करो, इन चीज़ों को अपने पर अप्लाई करो। जो जो गलतियां मैं बता रहा हूँ कि कौन से लेंथ में कौन सी बॉल खेलनी, इस टाइप से अगर आप खेलोगे तो आपको 100% आपका गेम इम्प्रूव होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनमें ध्यान देते नहीं लोग, तो इसमें ध्यान दो और 100% आपका बैटिंग सुधरेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।